भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नारा देने वालों का काला चिट्ठा सीएजी ने सामने रख दिया है। बावजूद इसके लाल किले से देश का पंत प्रधान धड़ल्ले से झूठ बोलता रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में सनी बीजेपी पर पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। लाल किले की प्राचीर से मोदी देश की आंखों में धूल झोंक गए। हकीकत तो यह है कि भाजपा और भ्रष्टाचार का दामन चोली का साथ है। नदी के दो किनारों की तरह दोनों साथ साथ चलते हैं। जब से सीएजी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार का पिटारा खोला है, पीएम मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। बोलते वक्त उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है और कहां चुप रहना है। मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। अब सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि सीएजी ने भाजपा के किन सात भारी भरकम घोटालों का पर्दाफाश कर दिया है। सबसे पहले बात भारतमाला प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 70 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी थी। इसके लिए CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फंड जारी किया, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करते हैं। फंड देने के साथ साथ पीएम इसके खर्चे की भी निगरानी करते हैं। 15,37,00,000 रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनानी थी। इन लोगों ने इस रकम को बढ़ाकर 32,17,00,000 कर दिया, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। बड़े पैमाने पर बिडिंग प्रक्रिया में धांधली हुई। इसके बाद आता है द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला, जिसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी, लेकिन 18 करोड़ के बजाय 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ के खर्च को मंजूरी दे दी। गजब है भैया, सड़क में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़ दिए कि 18 करोड़ में बनने वाली सड़क 250 करोड़ में बनी। फिर होता है टोल घोटाला। सीएजी ने रैंडमली 5 टोल प्लाजा की जांच की तो पता चला कि टोल के नाम पर जनता को 132 करोड़ का चूना लगा दिया गया। सीएजी ने जो टोल चुने थे उनमें से 3 टोल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। नियमों के मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन टोल प्लाजा पर 75% की छूट रहती है। बावजूद इसके NHAI ने आम जनता की जेब पर डाका डाल दिया। फिर पोल खुली मोदी जी की भारी भरकम योजना आयुष्मान भारत योजना। सीएजी की जांच में पता चला कि मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज कर रही है। इस कदर का फर्जीवाड़ा कि एक ही नंबर से लाखों लोग योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड है। 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में 250 लोगों को एडमिट दिखाया गया। 450 मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अस्पताल लाया ही नहीं गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत दिखाकर 1,20,00,000 की राशि क्लेम कर दी गई। 8,081 मरीजों का एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा किसकी जेब में रहा था। पांचवा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घोटाला। भाजपा ने भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ा। सीएजी ने अयोध्या में जारी स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया, जिसकी रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19,73,00,000 रुपए का गलत तरीके से लाभ दिया गया। गजब हाल है, धर्म की राजनीति करने वालों ने भगवान के साथ भी खेल कर दिया। इसके बाद सीएजी ने बताया कि वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलने वाले पेंशन योजनाओं का पैसा भी मोदी सरकार डकार गई। गरीबों का ये पैसा बीजेपी ने अपनी छवि चमकाने पर उड़ा दिया। मोदी सरकार ने इन पैसों से 19 राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़ा के होर्डिंग लगवा दिए। और आखिर में सीएजी ने HAL में डिजाइन और निर्माण में खामी को लेकर भी मोदी सरकार की गड़बड़ी पकड़ ली। HAL पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप है, जिसकी वजह से 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा के भ्रष्टाचार की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताने में कई घंटे बीत जाए। जो गरीबों को दी जाने वाली अरबों रुपयों की योजनाओं का पैसा खड़े खड़े डकार जाते हैं, मुर्दों का इलाज करते हैं, विकलांगों के हिस्से का पैसा खा जाते हैं, वो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। शर्म, हया, गैरत सब बेच अपने पद की गरिमा का थोड़ा तो ख्याल रखिए मोदी जी। ये जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। बेफिक्र रहें, अगले साल झंडा आप अपने घर की छत पर ही फहराइएगा।